होती है हाथ नहीं थी पहले इधर से उन्होंने सफाया करा इधर के मकानों का। मैंने बोला कि मेरा मकान आवास योजना में बना हुआ है तो क्योंकि बना हुआ है तो क्योंकि क्या करेगी कि सरकारी जगह पे तो तुम्हारा बना। मैंने बोला आपने आप लोगों ने मुझे पास करा इस जगह पे फिर तुम कैसा तोड़ रहा हो ये मकान तो क्योंकि नहीं क्योंकि तोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे से डर हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंचा। दोस्तों, देश के तमाम राज्यों से हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई, जहां पर देखा गया कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम हुई, हिंदुओं ने किस तरीके से मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की, चाहे बात मध्य प्रदेश के दंगों की हो या फिर राजस्थान के दंगों की। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मध्य प्रदेश में दंगे हुए, मध्य प्रदेश के खारगोन में दंगों के बाद जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की गई, जहां पर जांच के आधार पर बिना आरोपी सिद्ध हुए तमाम लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए और उसके बाद का नजारा कैसा रहा और कितने मासूम गरीब होके घरों पर बुलडोजर चले और उनका दुख कैसे निकल कर सामने आया, आज मैं वो आपको तमाम तस्वीरें और वीडियोस दिखाऊंगी जो कि आपने और टीवी न्यूज चैनलों पर नहीं देखी होंगी ना उन्होंने दिखाई होंगी। जी हाँ, अपनी सरकार की ये जो नाकामी है और ये जो हरकत है, सत्ता का गुरूर है, किस तरीके से टीवी न्यूज चैनलों ने छुपाया है वो आज आपको दिखाया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के खारगोन में तमाम घरों पर बुलडोजर चलाए गए और अब जब से दंगे हुए उसके बाद से बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई शिवराज सिंह चौहान की सरकार की नीति के थ्रू। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान खुद को बुलडोजर मामा कहते हैं और ये कंस मामा का कहर किस तरीके से मध्य प्रदेश के खारगोन के तमाम गरीबों के ऊपर बरसा है वो आज आप देखेंगे। आपको बता दूं कि खारगोन में एक विधवा महिला के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत उसके घर को अवैध बताते हुए उसके घर को उजाड़ दिया जाता है। आप पहले ये स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे होंगे, उस ट्वीट पर नजर डालिए और आप देखिए कि वो क्या लिखते हैं। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि मुसलमानों के प्रति चल रही नफरत ने सरकार और उसकी पुलिस को इस कदर अंधा कर दिया है कि खारगोन में हसीना नामक विधवा महिला के पीएम आवास योजना के तहत बने आवास को भी अवैध बता बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। जब किसी योजना से कोई मकान बनता है तो जमीन को सत्यापित किया जाता है, फिर अवैध कैसे? ये सवाल किया गया है सरकार से। जिस तरीके से अपनी मनमानी के थ्रू किसी के ऊपर भी, किसी के घर के ऊपर भी आप बुलडोजर चला दोगे, जहां पर ना आप किसी कानून की देखते हो और ना ही आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल है, आपको बस लगता है कि ये मुसलमान है तो फिर चाहे वो विधवा हो, गरीब हो, लाचार हो, आपको बस बुलडोजर चलाने से और ये दिखाने से मतलब कि देखिए आपने जो किया वो किया लेकिन बची कुची कसर हमारी सरकार पूरी कर देगी, जो कि किया भी जा रहा है। आप स्क्रीन पर ये जो खबर का फोटो देख रहे होंगे, जहां पर आपको हसीना नामक ये महिला जो है वो दिखाई दे रही होंगी जो कि विधवा है और उनके घर पर किस कदर बुलडोजर चला दिया जाता है वो भी आपको इस तस्वीर के थ्रू क्लियर हो रहा होगा। उनकी शक्ल बता रही है कि किस तरीके से वो बिचारी लाचार है लेकिन सरकार ने अब सिर से छत भी छीन ली। ये खारगोन की एक कहानी जो आपके सामने रखी और ये एक ही कहानी नहीं है, तमाम ऐसी खारगोन की तस्वीरें हैं जो दिल दहलाने वाली हैं, जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि इन गरीबों का, इन लाचारों का क्या कसूर है। जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं उनकी दुकानें उजाड़ दी गई और बची कुची दुकानें हिंसा जब भड़की उस वक्त तबाह हो गई। ये सरकार से बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार किन नीतियों के तहत ये काम कर रही है। और अब ये जो हिंदू युवा वाहिनी और ये जो भगवा चोला ओढ़े लोग जो है वो तो मुसलमान को तंग कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ ये सरकार भी कोई कसर छोड़ नहीं रही है। मैं आपको एक और ट्वीट पढ़कर सुनाती हूँ। आप स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे होंगे जाकिर अली त्यागी का। वो लिखते हैं कि मुसलमानों पर हमला एक समूह या एक संस्था ही नहीं बल्कि हर वो शख्स कर रहा है जो खामोश है।
जो मुसलमानों के जल रहे घर से उठते धुएं के गुबार को कोहरा बता पेश कर रहा है और हर वो शख्स मुसलमानों पर हमला कर रहा है जो संसद, विधानसभाओं और अदालतों में चुप्पी साधे बैठा है। ये आप भी सोच सकते हैं, ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, ये बहुत बड़ा एक तरीके का थॉट जो ट्वीट के माध्यम से रखा है कि क्या ये सरकार, पुलिस और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों के ऊपर कहर बरपाया जा रहा है। और यही तस्वीरें नहीं हैं, और भी तमाम ऐसी तस्वीरें और वीडियोस निकल के आई हैं खारगोन से, उन गरीबों की, उन लाचारों की, जो आपको मैं आगे बताऊंगी। खारगोन में एक और वीडियो निकल कर सामने आया है खारगोन का, जहां पर ये शख्स किस तरीके से अपना दुख बयां कर रहा है। एक नजर इस वीडियो पर, उसके बाद आपको बताऊंगी आखिरकार ये शख्स कौन है। पहले इधर से उन्होंने सफाया करा इधर के मकानों का, मैंने बोला कि मेरा मकान आवास योजना में बना हुआ है, तो क्योंकि बना हुआ है तो क्योंकि क्या करेगी कि सरकारी जगह पे तो तुम्हारा बना। मैंने बोला आपने, आप लोगों ने मुझे पास करा इस जगह पे, फिर तुम कैसा तोड़ रहा हो ये मकान, तो क्योंकि नहीं क्योंकि तोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे से डर हमको क्योंकि। तो इनका मैडम, इनका हम जाएंगे का, हमारे पास तो कहीं रहने को है ही नहीं, तो क्योंकि देख लो क्योंकि तुमको तुम्हारे हिसाब से तुमको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, हमको ऐसा बोल दिया और ज़्यादा बोलने नहीं दे रहे थे। और मिलिट्री के जवान आए तो हम भगा भग लाठी चार्ज कर दी, मार रहे थे यहाँ पर किधर किधर मार रहे थे। देखा आपने इस शख्स के बारे में, इस शख्स का वीडियो ट्वीट करते हुए विष्णुकांत लिखते हैं खारगोन के अमजाद खान के तहत बना, मतलब खारगोन के अमजाद खान का पीएम योजना के तहत जो मकान बना है, पीएम योजना के तहत जो ये मकान बना है, दंगइयों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर गिरा दिया गया है। शिवराज चौहान की जो सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, आपकी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, लेकिन इन गरीबों का दुख सरकार को शायद दिख नहीं रहा है या मीडिया दिखा नहीं रही है। आपने ये वीडियो देखा और इनका दुख भी देखा। ये खारगोन की कुछ वीडियोस थी जो आपके सामने रखी गई, लेकिन तमाम ऐसी वीडियोस राजस्थान के करौली से भी निकलकर सामने आई हैं। दंगे की चपेट में कुछ दुकानें आई जो तमाम पिछले लोग कब से उनकी पीढ़ियां वहां कारोबार कर रही थी, और उनका दुख किस तरीके से निकल कर सामने आया है वो तमाम वीडियोस निकल कर सामने आ रही हैं। जहां पर किसी की चूड़ी की दुकान थी वो तबाह हो गई, एक औरत किस तरीके से अपने आंसू बहाती नजर आती है कैमरे के सामने, साथ साथ जो सिलाई करने वाले शख्स था उसकी दुकान को कैसे तबाह कर दिया गया, ये भी निकलकर सामने आ रहा है। आप स्क्रीन पर तमाम तरीके की वीडियोस राजस्थान की करौली की देख रहे होंगे, जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिरकार इनका कसूर क्या था, इस नफरत भरे दौर में इन लोगों का क्या कसूर था। जो लोग रोजमर्रा कमाते हैं और खाते हैं, आखिरकार उनके ऊपर ये नफरत किस कदर भारी पड़ती दिखाई दी, इन तमाम वीडियो के थ्रू क्लियर होता नजर आ रहा होगा आपको कि खारगोन की बात हो या करौली की, पिसा गरीब ही है। इन तमाम ट्वीट्स और वीडियो के जरिए आपके जहन में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे होंगे, और जो भी आप सोच रहे हैं हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ साथ आप ये भी देखें कि हिंदुस्तान में ये नफरत किसी अमीर या किसी और पर भारी पड़ती नजर नहीं आ रही है, ये नफरत सिर्फ गरीब और लाचार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और ये विधवा महिला का जो खबर निकल कर सामने आई, इसकी तस्वीर हो या फिर ये रोते बिलखते कारोबारियों की तस्वीर हो, साथ साथ करौली से भी एक बुजुर्ग की वीडियो निकलकर, उनके आंसू भरी वीडियो निकलकर सामने आई है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और श्याम मीरा सिंह इसको लेकर ट्वीट करते हैं, एक बार उस ट्वीट पर भी नजर डालिए कि वो क्या लिखते हैं इन बुजुर्ग को लेते देखते हुए, इनकी तस्वीर को देखते हुए, इनकी वीडियो को देखते हुए। वो लिखते हैं कि द्विपहर युग के अमृतकाल में निर्दोष लोगों को सताने वाले कंस मामा को लगता था कि उसका राज जिंदगी भर रहेगा। एक दिन कृष्ण नाम के बच्चे ने जन्म लिया और कंस मामा का अंत कर दिया। हर अन्याय राजा का अंत आता है, आज के मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों को ये बात याद रखनी चाहिए, जो साफ तौर पर सही भी है कि किस तरीके से कंस की तरह शिवराज सिंह चौहान की सरकार कहर बरपा रही है। आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग की आंखों के आंसू या उस विधवा औरत जो लाचार खड़ी नजर आ रही है, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, ये तमाम तस्वीरें वीडियोस सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ये कंस मामा किस तरीके से गरीबों के ऊपर जायती करते नजर आ रहे हैं।
पर तमाम तस्वीरों और वीडियोस को देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दिकंचा। धन्यवाद।